नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त बिहार के बांका जिला में हम हैं और पंचायत चुनाव चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, निर्वाचन आयोग जो है जल्द ही चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकती है। इस बीच एक अच्छी बात है, आप देखेंगे कि प्रत्याशी पहले से ही पूरी तैयारियां कर चुके हैं। हर जगह आपको बैनर और पोस्टर के जरिए दिखने लगेगा कि प्रत्याशी किस तरह अपनी कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में हमारी बातचीत होगी नंदकिशोर यादव जी से, जो फुल्ली डुमर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 से भावी उम्मीदवार हैं जिला परिषद के। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज 24 में। नंदकिशोर जी, आप ये बताएं कि इस बार का जो चुनाव लड़ने की आपने ठानी है, आखिर क्यों? क्योंकि पहले से भी यहाँ पर जिला परिषद के उम्मीदवार हैं और खुद जिला परिषद भी है, क्या कमियां और खामियां उनसे रह गई कि आपने कमान अपने हाथ में लेने की ठानी? उन्होंने जनता की सेवा नहीं कर पाया, इसलिए हम उतरे हैं कि अब की बार हम जनता को सेवा करेंगे, जो तकलीफ होगा उसको पूर्ति करेंगे। आप क्या मानते हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र संख्या में क्या कुछ कमियां हैं और क्या क्या चीज होना चाहिए विकास कार्य जिन कार्यों को नहीं करवाया गया? विकास का चीज यही रोड है, कहीं नाली है, कहीं पुलिया है, कहीं चौतरा है, जहाँ जो जो कमी है गरीबों का, यहाँ दूसरा चीज तो कमी नहीं है, यही सब कमी है। देखे कि बहुत चीज नहीं कर पाए, हम सोचे चलिए हम भी सेवा में आवे और देखें ताकत लगा करके कितना हम सेवा कर सकते हैं। नंदकिशोर जी, ये जो दरबारी प्रथा है, एक बार जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं, हर घर तक अभी जाना होगा आपको, हर किसी से मिलते जुलते होंगे, बाद में जनता दौड़ लगाती है नेताओं की। एक साइन कराना हो तो मुखिया जी 4 घंटे बाद आएंगे, तो जिला परिषद साहब जो है वो अभी कहीं गए हुए हैं, भागलपुर गए हैं, बांका गए हैं, कल आइए परसों आइए, क्या इन प्रथा को भी दूर और दुरुस्त करने का प्रयास आपके तरफ से किया जाएगा? हाँ, वो भी दूर कर देंगे, हम उसको घूमने नहीं देंगे। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आप क्या करते हैं समाज सेवा के अलावा, और क्या कारोबार है आपका? समाज सेवा अभी भी कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे हैं, 10 साल से भी कर रहे हैं, समाज से भी कर रहे हैं, और जहाँ जिसको दिक्कत होता है उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, अपना गाड़ी मदद करते हैं, और जितना हमारे पास अभी शक्ति है उतना उसको फायदा गरीब को हम दे रहे हैं, और जहीं कहीं मर्जी हो जाता है वहाँ 1000-2000 भी देते हैं, लकड़ी फ्री में दे देते हैं, जलाने के लिए मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, उसके साथ जाते हैं, और अब बन जाएंगे जिला परिषद और उसको मदद करेंगे। चलिए, आप ये बताइए कि इतने उम्मीदवारों की रेस में मैंने देखा कई पोस्टर्स थे, उनमें एक आपका भी पोस्टर है, कैसे अपने आप को जनता के बीच आप प्रमाणित कीजिएगा कि आप ही एक सच्चे और सही ईमानदार उम्मीदवार हैं जिन्हें जनता चुने? क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ फुल्ली डुमर की जनता से, क्या कुछ अपील है आपका? फुल्ली डुमर जनता से हमको कुछ अपील नहीं है, हमको अपील यही है कि अगर ईमानदार हम हैं आपके साथ, अगर कुछ किए होंगे तो वो आदमी को वोट दीजिए। कुल तो हम बात कर रहे थे नंदकिशोर यादव जी से, फुल्ली डुमर दक्षिण के भावी जिला परिषद उम्मीदवार हैं, और इनके साथ एक अच्छी चीज जो देखने को मिली है, खुद यहाँ के विधायक की तस्वीरें भी लगी हुई है, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। देखिए, जब इस तरह का चुनाव होता है तो हमने देखा है कि अक्सर जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपनी तस्वीरें कहते हैं कि मेरा इस्तेमाल मत करो, क्योंकि कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं सभी हो जाते हैं विधायक। ऐसे में आपका क्या कुछ कैसा दायित्व है विधायक जी से? विधायक जी का ही हम कंधे हैं, विधायक जी बोला है कि हम विधानसभा जो है हम उतना नहीं घूम पाएंगे, इसलिए मुख मुख आदमी को उन्होंने कंधे बनाया कि क्षेत्र में आप लोग विकास कीजिए, उनसे मदद कीजिए, जहाँ की कमी है कुछ हमारे पास शिकायत लाइए, हम उसको काम करेंगे और आप उसको करवाइए। क्या उम्मीद है जनता आपकी समझ को समझेगी और आपको यहाँ से जिला पार्षद बनाने जा रही है? जनता तो समझ ली है, इस बार तो समझ ली है जनता, मन बना लिया जनता। बिल्कुल, तो हम बात कर रहे थे नंदकिशोर यादव जी से, देखा आपने विकास का मुद्दा है, और इस क्षेत्र में आप देखिएगा बांका जिला का ये क्षेत्र आपको कई मायने में काफ़ी पिछड़ा नज़र आएगा। इन्हें उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में यहाँ का की जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन के आधार पर ही इस बार मतदान होगा जिसमें इन्हें विजय श्री प्राप्त होगा। देखने वाली बात है, पूरे पंचायत का हाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा पर्सन अमृत कुमार के साथ अभिषेक।